हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड अभी अभी नीट हुई है तो काफ़ी सारे बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस एंड क्वेरीज थे जो मैं पर्सनली इंडिविजुअली सबको आंसर नहीं कर पा रही थी। सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू ऑल टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस एंड क्लियर ऑल योर डाउट्स। सो स्टे ट्यून्ड इन दिस वीडियो टू द एंड एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो आप लोगों की नीट तो 4 मई को हो चुकी है एंड काफ़ी सारे बच्चों का एक कॉमन क्वेश्चन है कि आगे क्या करना है, BMS प्रेफर करना है, इफ़ यू प्रेफर BMS देन व्हाट्स द स्कोप, या फिर BDS ओवर BMS। तो ऐसे काफ़ी सारे कन्फ्यूजन हैं। ये एक कॉमन क्वेश्चन है कि व्हाट्स नेक्स्ट। तो आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि अगर आपको लगता है कि आपको रिपीट करना है, अगर आप फ्रेशर हो एंड यू वॉन्ट टू टेक वन चांस, तो यू कैन रिपीट इन नीट, बिकॉज आई माई सेल्फ हैव रिपीटेड वंस एंड आई थिंक आई स्कोर 461 एंड विच वो वेरी लेस फॉर MBBS। तो डेफिनेटली मुझे MBBS तो नहीं मिला बिकॉज आई बिलोंग टू ओपन कैटेगरी, तो उतने मार्क्स में MBBS इम्पॉसिबल था। तो आई टुक BMS एंड काफ़ी सारे बच्चों का यही होता है कि MBBS नहीं मिलता है इसलिए आप BMS लेते हो। तो आई वुड सजेस्ट यू अ सोल्यूशन दैट अभी आपकी नीट हो चुकी है तो थोड़ा सा ब्रेक ले लो एंड आप क्या करो, आप फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो आपका रिजल्ट आने तक। एंड यू ऑलरेडी नो द मार्क्स, बट एक ऑफिशियल रिजल्ट आने तक आपको वेट करना ही पड़ेगा। तो आप क्या करो, आप फिर से प्रेपरेशन स्टार्ट कर दो एंड यू विल गेट टू नो दैट आप रेडी हो रिपीट करने के लिए, आप रेडी नहीं हो। तो ड्यूरिंग दिस फेज यू विल गेट टू नो दैट क्लियर आइडिया कि आपको रिपीट करना है या आपको ये फील्ड स्किप करना है। तो अगर आप श्योर हो कि आपको रिपीट करना है देन यू गो फॉर इट, एंड अगर आप श्योर हो कि आपसे रिपीट नहीं होगा, यू कांट अटेम्प्ट अगेन, तो आप MBBS छोड़ के BMS या BHMS या BDS के लिए ऑप्ट कर सकते हो। अब आपका एक क्वेश्चन तो क्लियर हो गया कि आपको MBBS करना है रिपीट करके या फिर आपको रिपीट नहीं करना है। तो अगर आपको रिपीट नहीं करना है तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आप क्या चूज करोगे, आप BMS चूज करोगे, BDS चूज करोगे या BHMS चूज करोगे या फिर फिजियोथेरेपी, या फिर आप ये फील्ड छोड़ के दूसरा कुछ करना चाहते हो। तो नाउ पर्सनली मैंने BMS इसलिए चूज किया था क्योंकि इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस मुझे दिखते हैं आगे। यू कैन डू MS, यू कैन डू MD इन वेरियस फील्ड्स अहेड। तो मुझे बेसिकली इंटरेस्ट है गायनेक में, तो इसके थ्रू आई कैन डू मास्टर्स इन प्रसूति तंत्र एंड स्त्रीरोग, दैट इज ऑब्स एंड गायनेक। एंड डेफिनेटली देर आर सम लिमिटेशंस कि आप ये परफॉर्म कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, तो वो एक अलग पॉइंट है। बट आई पर्सनली वॉन्टेड टू डू मास्टर्स एंड MBBS नहीं मिल रहा था बिकॉज ओपन कैटेगरी मार्क्स इतने कम है, तो डेफिनेटली MBBS वॉज नॉट पॉसिबल। तो आई फाउंड दिस वे फॉर माई सेल्फ कि इसके थ्रू भी आई कैन गेट टू डू माई मास्टर्स अहेड। तो मैंने इसलिए आयुर्वेदा ले लिया। एंड यू हैव वन मोर प्रो ऑफ दिस फील्ड कि आप प्योरली आयुर्वेदा प्रैक्टिस कर सकते हो। आयुर्वेदा के रिजल्ट्स एक्सीलेंट है कुछ क्रॉनिक डिजीजेज में एंड इवन इन एक्यूट डिजीजेज। तो मैं आपको कुछ वैद्य के नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी जो आयुर्वेदा एक्सीलेंटली प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड दे हैव एब्सोल्यूट ब्रिलियंट रिजल्ट्स इन एवरी डिजीज दे ट्रीट। तो ऐसा नहीं है कि आयुर्वेदा में कोई स्कोप नहीं है। देखो, स्कोप टोटली डिपेंड्स ऑन योरसेल्फ कि आप कैसे उसमें मास्टर कर रहे हो, आप कैसे उसमें स्किल्स डेवलप कर रहे हो, आपकी नॉलेज कितनी है, हाउ यू आर डायग्नोसिंग द डिजीज एंड हाउ यू आर ट्रीटिंग इट। तो सब डिफरेंट वे से ट्रीट करते हैं एंड दैट स्कोप टोटली डिपेंड्स ऑन अस, क्योंकि स्कोप आयुर्वेदा में काफ़ी ज़्यादा है, रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन मेहनत भी उतनी ही है बिकॉज नो टू पेशेंट कैन हैव सेम आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सेम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। तो आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई है क्योंकि कंसेप्ट न्यू होते हैं, लैंग्वेज न्यू है, बट इट इज़ वर्थ इट। तो आप एक तो प्योरली आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर आपको मास्टर्स करना है बाद में या MD करना है तो भी आप BMS ले सकते हो। ये BHMS में पॉसिबल नहीं है कि आप BHMS के बाद, लाइक होम्योपैथी के बाद आप मास्टर्स कर सको, इसलिए मैंने मास्टर्स करना था मुझे, तो आई हैड अ क्लियर आइडिया इन माई माइंड कि वॉट आई वॉन्ट टू परस्यू थ्रू BMS। तो आई वॉन्ट टू डू मास्टर्स, तो मैंने BMS चूज किया विच इज़ नॉट पॉसिबल टू होम्योथेरेपी। नाउ कमिंग टू BDS, तो मेरा ऐसा था कि आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडिंग दैट ओरल कैविटी थ्रू आउट माई लाइफ। तो इट इज़ अ रिस्पेक्टेड फील्ड, इट हैज़ अ स्कोप, एंड अगेन मैं कहूँगी कि इट टोटली डिपेंड्स ऑन द स्किल्स यू डेवलप इन दैट 5.5 ईयर्स एंड ऑन योर नॉलेज। ऐसा नहीं है कि आप कम कमाओगे, MBBS वाला ज़्यादा कमाएगा, इट्स अ सुपीरियर डिग्री, नो डाउट। MBBS अपनी जगह है और BMS एंड बाकी डिग्रीज अपनी जगह है।
तो यू कैन नॉट कंपेयर दीज टू कि इसमें ज़्यादा सैलरी है इसमें कम है. फर्स्टली आप सैलरी का भी सोचो ही मत. सेकेंडली जस्ट हैव अ क्लियर आइडिया दैट वॉट यू वॉन्ट टू डू अहेड. क्योंकि ये तो अंडर ग्रेजुएट का डिग्री हो गया, बट इसके बाद क्या? तो यू हैव टू थिंक फॉर दैट लॉन्ग टर्म. कि अंडर ग्रेजुएट तो सबके लिए कॉमन होता है, ऑलमोस्ट सब्जेक्ट्स आर कॉमन, MBBS में थोड़ा ज़्यादा होता है. तो यू हैव टू थिंक दैट वे कि आपको आगे जाके क्या करना है. तो आगे का सोच के अगर आप BMS ले रहे हो अभी, तो 5.5 ईयर्स आपको संस्कृत, सिर्फ फर्स्ट ईयर में होगा संस्कृत लैंग्वेज, एंड इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट हियर. एंड अगर आप BDS लेते हो तो उसमें आपको पता है कि डेंटिस्ट का सब स्टडी होगा, डेंटल थिंग्स होगी उसमें. एंड मुझे वो बेसिकली नहीं था इंटरेस्ट, तो आई स्किप्ड दैट एंड आई टुक BMS. तो इससे आपको कैसे क्लियर आइडिया लगेगा कि आपको मास्टर्स करना है, MD करना है, तो आप BMS ले लो एंड थोड़ा सा स्ट्रगल कर लो 5 ईयर्स. थोड़ा सा नहीं, एक्चुअली स्ट्रगल है, बट यू कैन कोप अप विद दैट एंड यू कैन परस्यू फॉर मास्टर्स. एंड आपको एक एग्ज़ाम देनी होती है AIPGET, जैसे नीट UG होता है वैसे आयुर्वेद में भी एक एग्ज़ाम होती है, जिसके बाद आपको MS की या MD की सीट्स मिलती है गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में. एंड अगर आप BDS चूज़ करते हो तो देर इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु इज स्टडिंग इक्वेस्ट्रियन डेंटिस्ट्री, लाइक हॉर्स के टीथ की स्टडी वो कर रही है, एंड दैट इज़ टोटली डिफरेंट. एंड बाद में उसका काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, तो आई थिंक शी इज़ डूइंग हर MDS लाइक मास्टर्स इन डेंटल सर्जरी, एंड दैट टू इन द ब्रांच ऑफ इक्वेस्ट्रियन डेंटिस्ट्री इन लंडन. तो आपके पास वो भी एक बेनिफिट है BDS में, कि आप आउट ऑफ जाके भी आप अपनी प्रैक्टिस पर्सनल शुरू कर सकते हो. एंड इस तरह से आप एक क्लियर आइडिया रखिए कि आपको क्या करना है, आपको किस में इंटरेस्ट है, आगे जाके आपको मास्टर्स करना है नहीं करना है, आपको जनरल प्रैक्टिस करनी है या फिर आपको ट्रेडिशनल मेडिसिन सीखना है, तो यू कैन गो फॉर BMS. अब आपने चूज़ कर लिया कि आपको BMS करना है, ठीक है. तो काफ़ी सारे बच्चों का ये भी डाउट है कि संस्कृत न्यू होता है, श्लोक्स होते हैं, कैसी लैंग्वेज होगी, कैसे कोपअप होगा. तो लेट मी टेल यू कि आपको संस्कृत सिर्फ फर्स्ट ईयर में होता है, एंड दैट इज़ बेसिक संस्कृत, तो आप डील कर लोगे नो मैटर इन वॉट मीडियम यू हैव स्टडीड इंग्लिश, हिंदी और मराठी. संस्कृत आपको आ जाएगा, यू जस्ट हैव टू पुट इन मोर एफर्ट्स, क्योंकि लैंग्वेज न्यू होगा एंड फील्ड भी न्यू होगा, सारे कॉन्सेप्ट न्यू होंगे. तो टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है, संस्कृत आपका क्लियर हो जाता है, एंड यू कैन राइट योर पेपर इन विच एवर लैंग्वेज यू आर कम्फर्टेबल. तो फर्स्ट ईयर से मैं तो पेपर इंग्लिश में लिखती हूँ कंपलसरी, क्योंकि मुझे हिंदी या मराठी लैंग्वेज जमता ही नहीं है, तो आई चूज इंग्लिश लैंग्वेज. एंड बेसिकली क्या होता है, आपको श्लोक्स होते हैं आयुर्वेदा में, तो वो श्लोक्स का जो ट्रांसलेशन होता है वो आपको हिंदी मराठी या इंग्लिश में अवेलेबल होता है. तो आप इंग्लिश लैंग्वेज में लिखिए पेपर, मराठी में लिखिए, दैट डजेंट मैटर एंड दैट डजेंट मेक एनी सेंस कि आपको कम मार्क्स आएंगे. ऐसा भी एक मिथ मैंने काफ़ी ज़्यादा सुना है कि इंग्लिश में पेपर लिखते हैं तो मार्क्स कम आते हैं. नो, दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग. इट टोटली डिपेंड्स ऑन द कंटेंट यू राइट. तो आप कोई भी लैंग्वेज में आप स्टडी कर सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो. तो मैं तो इंग्लिश में ही करती हूँ, और अब मैं फाइनल ईयर में हूँ तो भी मैं इंग्लिश में ही पेपर लिखती हूँ, एंड इट इज़ गोइंग वेरी गुड. तो आपको सिर्फ फर्स्ट ईयर में संस्कृत में थोड़े से ज़्यादा एफर्ट्स डालने हो गए, एंड आप पास हो जाते हो आराम से. एंड आपको फर्स्ट ईयर में ही समझेगा बेसिक आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट कैसे होता है, क्या होता है. एंड यू कैन ज्वाइन आयुर्वेदिक क्लिनिक इन फर्स्ट ईयर टू गेट अ रफ आइडिया अबाउट आयुर्वेदा. तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप कॉलेज के बाद क्लिनिक जा सकते हो, क्लिनिक्स ज्वाइन कर सकते हो. मैंने तो कोई क्लिनिक ज्वाइन नहीं किया था, बिकॉज बेसिकली आई डेंट हैव सच गाइडेंस कि मेरे को आगे क्या करना है. आई जस्ट गॉट इन टू इट एंड आई एम राइट नाउ ईयर इन फाइनल ईयर विथ लॉट्स ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस. तो आप क्लिनिक ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आप आयुर्वेदा के बारे में रफ आइडिया ले सकते हो. फिर आप सेकेंड ईयर में जाके आप डिसाइड कर लो कि आपको मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस करना है, आपको आयुर्वेद करना है, या आपको इंटीग्रेटेड करना है, या फिर आपको मास्टर्स करना है. तो इस तरह से आपको धीरे धीरे उसमें जाने के बाद एक आइडिया आएगा. बट जो बच्चे डर रहे हैं कि कैसे कोपअप होगा, न्यू है, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. फर्स्ट ईयर इज़ कंपेरेटिवली ईजी, एंड आपको न्यू होता है सब चीज़ें, तो आपका एक जोश भी नया होता है, तो यू कैन कोप अप विद दैट. पहली बात कट ऑफ की, तो एक सिंपल चीज़ है कि अगर इस साल कट ऑफ जाता है 720/720, जैसे कि मेरे टाइम था कोविड के टाइम, हाई स्कोर वॉज 720, तो आपके जो स्टेट में बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज होगा उसका कट ऑफ
ऑब्वियसली हाई जाएगा, लाइक इट शुड बी अराउंड 520. अगर आपका इस साल का कट ऑफ हाईएस्ट कट ऑफ आ रहा है 720, तो आयुर्वेदा के लिए आपका बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ जाएगा समवेयर अराउंड 500 प्लस फॉर ओपन कैटेगरी. बिकॉज आई बिलोंग टू ओपन कैटेगरी सो आई नो अबाउट दैट. तो मैं बेसिकली कट ऑफ वगैरह के बारे में इतना नहीं जानती हूँ, सो आई एम अनेबल टू रिप्लाई टू योर कमेंट्स. बस मैं इतना कहूँगी कि कट ऑफ कितना भी हो, आप बस इतना सोचो कि अगर हाई कट ऑफ जाता है तो अगर आपको बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, बेस्ट बीएमएस गवर्नमेंट कॉलेज, तो उसका कट ऑफ डेफिनेटली हाई ही होगा. बट अगर हाईएस्ट स्कोर अगर 690 या 650 ऐसा कुछ आता है तो आपका कट ऑफ ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा. एंड अगर आप ओपन कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो डेफिनेटली यू नीड अ वेरी गुड स्कोर फॉर बेस्ट गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज ऑफ योर स्टेट. एंड आप प्राइवेट कॉलेजेस भी प्रेफर कर सकते हो. मैं खुद प्राइवेट कॉलेज से हूँ जो कि पुणे में है. तो इस तरह से कट ऑफ डिपेंड करता है. तो आई कांट आंसर योर कमेंट्स टू अ स्पेसिफिक स्कोर, लाइक कि इस स्टेट में इस कॉलेज का इतना कट ऑफ है. दैट इज़ वेरी इम्पॉसिबल फॉर मी. सो आप ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस साल का स्कोर कैसे है, मेरा स्कोर कितना है. यू कैन ट्राई फॉर दोज कॉलेजेस. एंड आपको प्राइवेट से भी बीएमएस करने मिलता है या फिर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी से भी करते हो इफ़ यू कैन अफोर्ड द फीस. सो आई होप मैंने आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स कर दिए हैं एंड आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे. एंड आई होप आपको एक क्लियर आइडिया आ गया होगा कि आपको क्या करना चाहिए. तो पहले आप रिपीट के लिए अगर ऑप्ट कर रहे हो तो आप प्रैक्टिस करो रिजल्ट आने तक, देखो कि आप कितना कर पा रहे हो. अगर आप रिपीट नहीं करना चाहते हो तो यू एक्सप्लोर दीज अदर फील्ड. एंड अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको मेडिकल ही नहीं करना है, देन द क्वेश्चन इज ओवर देयर ओनली. तो आप एक्सप्लोर करो जितना हो सके, गूगल यूट्यूब का यूज़ करो, देखो कि आप आगे जाके और क्या कर सकते हो. जैसे कि बीएमएस के बाद यू कैन इवन बिकम मेडिकल ऑफिसर, यू कैन प्रैक्टिस कम्युनिटी मेडिसिन, यू कैन डू मास्टर्स इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, काफ़ी कुछ है. तो ये आपको तब पता चलेगा जब आप खुद एक्सप्लोर कर रहे हो. तो आप जाओ यूट्यूब पे, गूगल पे, यू जस्ट सर्च दैट व्हाट इज़ द स्कोप आफ्टर यूजी, कितने कॉलेजेस है, कौन सा कॉलेज की कंपेयर करके देखो कि कौन सा कॉलेज बेटर है, कहाँ ज़्यादा पेशेंट्स है, कहाँ ज़्यादा सीखने मिलेगा. आयुर्वेद के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करो अगर आपको आयुर्वेद लेना है. तो यू जस्ट कीप ऑन एक्सप्लोरिंग जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता है. एंड अगर आपको रिपीट करना है देन यू कीप ऑन स्टडिंग. तो दैट वॉज इट फॉर द वीडियो. एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो होने वाली है बीएमएस का स्कोप, ये सैलरी एंड कैसे क्या होता है बीएमएस में, एवरीथिंग अबाउट 4.5 ईयर्स ऑफ थियोरटिकल एंड 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप. सब बीएमएस के बारे में आई टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो. एंड इवन आई टेल यू अबाउट माई बीएमएस जर्नी. सो स्टे ट्यून्ड एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोज़.